हाय गाइस, आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म चटपटा सा मूंग दाल से बनने वाला ये नाश्ता। आपने इसे स्ट्रीट्स में ट्राई ज़रूर किया होगा। घर पे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ऑयल का यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो को पूरा देखिए और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है, ये धुली हुई मूंग दाल है, बिना छिलके वाली, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसे हम 3 से 4 बार धो लेंगे, इसमें कोई भी डर्ट ना रहे। अब सारी दाल को हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। इसे हमें बॉईल करना है, 2 सीटी लगानी है सिर्फ। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, इसमें दुगना पानी लेना है, जितनी हमने दाल यूज़ की है उससे दुगना पानी होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे इसलिए सिर्फ 1/2 चम्मच नमक डालेंगे अभी। इसे हम 2 सीटी आने तक बॉईल कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं दाल बॉईल हुई है या नहीं। दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें पानी भी नहीं है। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के और पकाएंगे। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से कोटना है, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बना रही हूँ मूंग दाल की चाट। अगर आपने दाल की चाट नहीं ट्राई की है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है। इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे दाल अच्छे से घुल जाए और जब इसमें अच्छे से बबल आने लगे तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच घी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। घी की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि आपकी दाल बिल्कुल घुली हुई और गर्मा गर्म हो। दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, चलिए इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। इसमें जाएगा 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन का पाउडर, काला नमक 1/2 चम्मच, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। अब इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक और कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे चटपटा बनाने के लिए जाएगा इसमें चाट मसाला, आप घर में बना हुआ चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब डालेंगे हम नींबू, 1/2 नींबू इसमें हम निचोड़ के डाल देंगे। मैं इस तरीके से डाल रही हूँ कि बीज इसमें बिल्कुल ना जाएं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला और नींबू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, दाल की चाट तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। जब भी आप दाल की चाट तैयार करें तो दाल को आप पहले से बॉईल करके रख सकते हैं, उसे मिक्स बना के मत रखिए। दाल बॉईल करके रखिए और जब भी आपका खाने का मन हो दाल को दोबारा गर्म कीजिए और मिक्स तैयार कर लीजिए। बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली चाट की तरह ही हम इसे सर्व करेंगे। ऊपर से डालेंगे सारे वेजीज और स्पाइसेस, नींबू डाल के इसे सर्व कर लीजिए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।